हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। थोड़ा सा पर्सनल इशू था तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और ये सभी के माइंड में होते हैं। बहुत सारे DFs ने मुझसे सवाल भी पूछे हैं, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाए, सभी को पता चले कि ट्विन फ्लेम की मिशन क्या है, क्यों आते हैं वो इस अर्थ में, ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या मिशन होता है, क्या पर्पस होता है, लाइफ पर्पस भी कह सकते हो, बर्थ पर्पस भी कर सकते हो, किस वजह से बर्थ हुआ है। तो बहुत सारे सवाल है और सभी सवालों के जवाब एक ही है, डिवाइन मिशन कह सकते हो, सोल मिशन कह सकते हो, लाइफ पर्पस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आंसर एक ही है। तो वो आंसर क्या है, तो वो मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। तो आई होप कि आज के वीडियो से आप लोगों की माइंड में जो भी सवाल है उसका आंसर आपको मिल जाए, और जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जो दो ट्विन सोल्स, ओके, तो उनकी सोल मिशन क्या है, ट्विन फ्लेम की जो पर्पस होते हैं, वो जो लाइफ में मतलब इस अर्थ पे आते हैं, उनके लाइफ के जो पर्पस होते हैं, ये आप ऐसे नहीं फाइंड कर सकते हो कि बस हमने सोचा और हमें मिल गया, या फिर हमने किसी से पूछा, या फिर मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजी पे एस्ट्रोलॉजी के पास गया और कुंडली दिखाई और हमें मिल गई हमारी पर्पस, तो ऐसे नहीं होगा। ओके, वो कोई नहीं कह सकता सिवाय आपके, सिर्फ आप ही जान सकते हो कि आपकी डिवाइन मिशन क्या है, आपकी सोल पर्पस क्या है, आप इस अर्थ पे क्यों बर्थ लिए हो, ये सिर्फ आपको पता होगा, कोई नहीं बता सकता। मैं भी नहीं बता सकती हूँ कि आपकी मतलब बर्थ मिशन क्या है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की मिशन क्या है, आपको इस जर्नी को क्यों मिली है, आपको ये जर्नी किस वजह से, क्या वजह है, क्या रीज़न है जो आपको ये जर्नी आपको मिली है, इस अर्थ पे आपकी बर्थ हुई है। ओके, ये मैं भी नहीं कह सकती, ये सिर्फ़ आप ही जान सकते हो, डिवाइन आपको कह सकते हैं। ओके, और आप लोग मुझसे भी पूछते हो कि मेरे सोल मिशन क्या है, मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी का रीज़न क्या है, ठीक है, तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि आपके सोल मिशन क्या है, तो मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ कि वो झूठ है, होगा, ठीक है। मैं आपको नहीं बता सकती कि आपके सोल मिशन क्या है, मैं डायरेक्टली आपको नहीं बता सकती। वैसे बोल सकती हूँ कि आप चैरिटी करो, लोगों का हेल्प करो, अपनी जर्नी पे फोकस करो, अपने आप को सुधारो जितना हो सके, लोगों का हेल्प करो, एनिमल्स का हेल्प करो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपके जो ओरिजिनल पर्पस होते हैं वो आपको मैं नहीं बता सकती हूँ, ये सभी के अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं जो वीडियो में बताने वाली हूँ, जो मेरा मोटिव है आज की वीडियो की, कि मैं आपको बताऊंगी कि जो कलेक्टिव ट्विन फ्लेम है, मतलब सभी के लिए मैं बताऊंगी, एक ट्विन फ्लेम के लिए नहीं, मैं सभी के लिए बताऊंगी कि सभी ट्विन फ्लेम्स के ओरिजिनल पर्पस क्या होते हैं, कि वो इस अर्थ पे वो बर्थ लेते हैं, ये मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। इससे आपको थोड़ा बहुत मतलब जानने को मिलेंगे कि हाँ, मेरे इस जर्नी की मतलब क्या है मिशन। ओके, ये आपको थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगा कि आपकी सोल मिशन क्या है, ठीक है। मुझे तो मिल गया कि मेरे सोल मिशन क्या है, मतलब डिवाइन ने ही मुझे गाइड किया है और मेरी इंट्यूशन ने भी मुझे गाइड किया है, तो आप भी अपनी इंट्यूशन से पूछो एंड डिवाइन की हेल्प लो, जो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी की ओरिजिनल मिशन क्या होती, किस की वजह से गॉड ट्विन फ्लेम्स को इस अर्थ पे भेजते हैं। ओके, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही क्यों, मतलब सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही ये चीज़ें क्लियर करनी होती है। ओके, इस जर्नी में क्यों, मतलब जो सोलमेट्स होते हैं, जो कार्मिक्स होते हैं, जो जनरल कनेक्शन में होते हैं, वो भी तो ये सब पूरा कर सकते हैं ड्यूटीज़, लेकिन नहीं, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही क्यों डिवाइन ये जो मतलब ड्यूटीज़ देते हैं, ठीक है। सोल मिशन और लाइफ पर्पस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, लाइफ पर्पस सभी के होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो उनकी भी होती है, ठीक है, लेकिन सोल मिशन सिर्फ उनकी ही होती है जो इस किसी पर्पस से इस अर्थ पे आए हो। ओके, हम सभी इंसानों के मतलब इंसानों को डिवाइन ने कुछ ना कुछ ड्यूटी दे के ही भेजते हैं वो इस अर्थ पे, सभी की कुछ ना कुछ ड्यूटी होती है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर ना हो, कोई भी कनेक्शन में हो, लेकिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ मिलते हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जाता है, और वो आपको इस मतलब 3D प्लैनेट में रहकर वो सभी पूरा करना होता है। ओके,
हम लोग कहते हैं कि मतलब बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, अभी भी सुनती हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं, बड़े कहते हैं, और कि किसी की अगर डेथ हो जाए तो मतलब उसके बारे में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि उनका काम ख़त्म हो गया। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यूनिवर्स ने हमें काम देते हैं, जो हमें ड्यूटीज़ देते हैं, वो ड्यूटी ख़त्म हो गए तो इस अर्थ में क्यों रहना? सबकी कुछ ना कुछ वजह होता है इस अर्थ में आने का, है कि नहीं? तो इसी वजह से वो उस इंसान का डेथ हो गया, मतलब उसका काम ख़त्म। ओके, अगर काम ख़त्म भी नहीं हुआ तो फिर से उनको जन्म लेना ही पड़ेगा फिर से, ठीक है, अगर वो काम ख़त्म नहीं कर पाए। ओके, तो ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग। लाइफ पर्पस मतलब कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये करना है, वो करना है, मतलब बाहर जाना है, घूमने जाना है, ट्रैवलिंग करना है, बहुत कुछ ऐसा होता है लाइफ पर्पस। लेकिन सोल मिशन कुछ अलग ही है। सोल लाइफ पर्पस मतलब आपके बॉडी की नीड, आपके फिज़िकल बॉडी की नीड, ठीक है, उसको कहते हैं हम लाइफ पर्पस। हमारे फिज़िकल बॉडी मतलब बॉडी को जो चाहिए, मतलब अच्छा घर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, गाड़ी चाहिए, ओके, अच्छा ऐशो आराम चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे फिज़िकल बॉडी के लिए। लेकिन हमारे सोल के लिए क्या है, हमारे सोल मिशन क्या है, जो हमारे सोल चाहते हैं, हमारा सोल का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो मेन पॉइंट है। फिज़िकल बॉडी के तो बहुत सारे ऐसे मतलब पर्पस होते हैं कि हमें ये चाहिए, अच्छा ड्रेस चाहिए, यहाँ पर जाना है, घूमना है, ये सिर्फ फिज़िकल बॉडी के लिए होता है। लेकिन आपकी सोल क्या नीड करती है, ठीक है, आपके सोल क्या चाहते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। पहले वो जानो कि आपके सोल क्या चाहते हैं। और वो कैसे जान पाओगे? सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप खुद से जुड़ते हो। मैं इसी वजह से आपको हर वीडियो में कहती हूँ, मेरी टेलीग्राम लिंक पे जो मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं उन्हीं से भी कहती हूँ कि मेडिटेशन करो। इनको समझता ही नहीं, कहते हैं हाँ मेडिटेशन करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मेडिटेशन की जो ओरिजिनल प्रोसेस क्या होता है, मेडिटेशन होती क्या है, वो आप लोग अच्छे से नहीं जानते हो। मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, आप लोगों की मैं मुझे तो पता है, हाँ आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मेडिटेशन का ओरिजिनल मतलब। तो आप कहोगे कि आज की वीडियो तो सोल मिशन के बारे में है, मैं मेडिटेशन की बातें कहाँ ले आई? लेकिन मेडिटेशन की बातें इसी वजह से बता रही हूँ कि आपको अगर सोल मिशन जानना है तो मेडिटेशन तो करना ही होगा। ओके, मेरे चैनल पे है प्रॉपर मेडिटेशन टेक्निक, मैंने बताया है, वो आप करो। ओके, वो वीडियो आप देखो, आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन हमारे सोल से हमें मिलवाती है, मेडिटेशन हमारी ओरिजिनल फॉर्म से हमें मिलवाती है, मेडिटेशन हमें गॉड के साथ अलाइन कराता है, यूनिवर्स से अलाइन कराता है, ठीक है। मेडिटेशन में बैठ के हम बहुत कुछ जान सकते हैं, मेडिटेशन में बैठ के आपके दिमाग में कुछ ऐसा डाउनलोड भी हो जाता है जो आज तक किसी ने नहीं कहा है, किसी ने नहीं सुना है, वो भी चीज़ें आपके माइंड में डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करो तो आपकी इंट्यूशन के साथ आप जुड़ सकोगे, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है वो आप समझ सकोगे। और मेडिटेशन सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट ऐसे नहीं है, 10 मिनट्स ऐसे नहीं है, मेडिटेशन आपको मिनिमम आपको 30 मिनट से स्टार्ट करनी है। अगर 30 मिनट आप रेगुलर 1 महीने तक मेडिटेशन करोगे तो आप देखना आपके साथ क्या चमत्कार होता है, आप खुद करके देखो। ओके, और फिर जाके धीरे धीरे से आप 45 मिनट 1 घंटा ऐसे आप मेडिटेशन की जो टाइमिंग होती है वो आप बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन 30 मिनट तो मिनिमम करनी ही है। ओके, लेकिन फर्स्ट टाइम आप 20 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले आप मेडिटेशन करो, अगर आपको जानना है कि आपके सोल मिशन क्या है, आप इधर उधर भटको मत, टैरो रीडिंग पे भी मत जाओ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं भी कहती हूँ कि मुझसे मत पूछो, टैरो रीडिंग से मत दिखाओ कि मतलब देखने की कोशिश मत करो कि मेरे सोल मिशन क्या है। टैरो रीडिंग आपको नहीं बता सकता कि आपके सोल मिशन क्या है, टैरो रीडिंग सिर्फ आपको एक गाइड दे सकती है, गाइड कर सकती है, आपको मोटिवेट कर सकती है, आपको आगे की पथ दिखा सकती है, ठीक है, एक आइडिया दे सकती है, लेकिन डायरेक्टली वो आपको नहीं बता सकता कि आपकी सोल मिशन क्या है। आपकी सोल मिशन क्या है ये सिर्फ आपकी सोल बता सकता है, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, आपके सोल्स के साथ जुड़ना है। ओके, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनके पर्पस कुछ स्पेशल होते हैं, ठीक है, उसे हम फिज़िकली ढूंढने की कोशिश करें तो नहीं मिलेंगे, स्पिरिचुअली हम आँखों से नहीं देख सकते। आप स्पिरिचुअलिटी को आँखों से देख सकते हो, कुछ भी चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को, हमारे ब्रीदिंग को, ओके, हम जो सांस लेते हैं आप सांस को कभी देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। जो हवा चलती है हवा को देख सकते हो? सिर्फ महसूस कर सकते हो। ओके, तो ऐसी ही स्पिरिचुअलिटी भी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप महसूस करते हैं, जिसे आप फील कर सकते हो। अनकंडीशनल लव हो, सोल ग्रोथ हो, एनर्जी को हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को,
ठीक है। यही सभी चीज़ें एनर्जेटिक होती है, ये सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं, बट हम सीन नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। अगर मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब क्या है? एग्जिस्ट नहीं करते, करते हैं लेकिन हम उसे फील करते हैं, देख नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स में। तो ट्विन फ्लेम्स के जो अपनी मिशन फाइंड करने की ज़रूरत होती है, वो आपको मतलब ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। जो सोल मिशन होती है, जो आपके पर्पस होते हैं, वो आपको ढूंढने की मतलब ज़रूरत नहीं होती है। वो राइट टाइमिंग पे उनके सामने ही आ जाते हैं। आपकी 3D लाइफ में जो हो रहा है उससे आपकी हायर सेल्फ की कोई कनेक्शन नहीं है। बट 3D लाइफ में जो आपको ट्रिगर्स मिलती है, वो सभी आपको काम करने के लिए आपको उत्साहेंगे। तभी आप एक्शन ले सकोगे कि मुझे इस बात पे ट्रिगर मिला तो मुझे ये हील करना है, मुझे देखना है, मुझे उसको दिखा देना है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है। तो 3D लाइफ में जो हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, उससे हमें एक मोटिव मिलते हैं जो हमें इंस्पायर्ड करते हैं, हमें उत्साहेंगे कि हमें ये करके दिखाना है, ठीक है। इसके हेल्प से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स को लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, आपको पता है, ठीक है। पेनफुल एक्सपीरियंस, सेपरेशन फेज, ये सभी मतलब हमें पुल करते हैं अपने ट्विन फ्लेम को सर्च करने में, अपने ट्विन जर्नी को सर्च करने में, हमें सोल मिशन को सर्च करने में हमें पुल करते हैं। इस जर्नी में हमें जो जो मतलब ट्रिगर्स मिलते हैं, जो परेशानी होती है बचपन से, जो ट्रॉमा मिलती है, जो ऊंस होते हैं हमारे, वो सारी चीज़ों से हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, और उसी उन सारी चीज़ों से हमें एक पर्पस मिलता है। जैसे लोगों को हील करना, जो हमारी ही तरह जो ऐसे ऊंस में हैं, ऐसे ट्रॉमा वो फेस कर रहे हैं, जो ट्रिगर्स वो फेस कर रहे हैं, भटके हुए हैं, उनको एक सटीक मतलब राइट डायरेक्शन दिखाना, उनके हेल्प करना, उनको हील करना, उनको उस ट्रॉमा से बाहर निकालना, उन सारे लोगों के साथ हमें कनेक्ट होना है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है एक दूसरे से, वो भी आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप भी करना, ठीक है। सभी को हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें होती है लाइफ पर्पस ट्विन फ्लेम्स के। और सोल मिशन कुछ अलग होता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं सोल मिशन के बारे में, और जो मैं कुछ पॉइंट्स भी आप लोगों को बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी की सोल मिशन क्या होता है, ओरिजिनल पर्पस क्या होता है, वो आप लोगों को शेयर ज़रूर करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के वीडियो में मैं इतना ही बोल रही हूँ। तो लाइफ पर्पस आप लोग पूरा करो, पहले अपने लाइफ पर्पस की तरफ देखो, ठीक है। जैसा मैंने कहा, लोगों का हेल्प करना, जो भी आप करो लोगों का हेल्प करो, एक लाइट वर्कर बनो, उनके हेल्प करो, उनको जो हेल्प चाहिए उन्हें, अगर वो मतलब राइट डायरेक्शन उनको नहीं मिल रहा है अपने लाइफ में, तो उनको आपको राइट डायरेक्शन आपको दिखाना है, उनके साथ खड़े होना है। कोई भी हो, आपके फैमिली मेंबर हो, आपके आसपास के लोग हो, आपके फ्रेंड्स हो, या फिर कोई भी हो, आप इसे नहीं जानते हो, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन उनकी आपको हेल्प करना है। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी की लाइफ पर्पस, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, डाउट क्लियर होगा थोड़ा सा भी हो सके तो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो टेलीग्राम लिंक पे या फिर ईमेल पे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज़।